अपनी माँ की मोहब्बत में इतने बड़े जलसे का इनका एक पल पड़ता हो उन बेटों के हवाले से जरा मुस्कुरा के पूरा मजमा कह दे बेटों ने बेटे अपनी माँ से अल्लाह की बारगाह में क्या कहते हैं बेटा अपने माँ की मोहब्बत में अल्लाह ताला से क्या कहता मुलाजम फरमाए जरा मोहब्बत के साथ है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इलाही को बोलबो ये मेरी दुआ कर मेरी ले किया मेरी माँ को जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ की बोला करी उनकी माँ की उम्र में भी बना बरकत अता फरमाया और जिन हजरात की माँ इस दुनिया से चली गई है अल्लाह की बारगाह में दुआ की बोला करी अपने हबीब के सदके में उनकी माँ की कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाया आमीन तो कह दीजिए आमीन और झूम के बोले सुभान अल्लाह आखिरी सुभान अल्लाह सुभान
सुभान अल्लाह हजरत, ये सच है कि समा बन गया। मेरी निगाहों के सामने कुछ ऐसी भी आंखें हैं जिनमें आंसुओं के कतरे चमक रहे हैं, इस बात का सबूत है कि वो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है। और क्यों न हो साहब, ऑपरेटर साहब हल्का सा इसको कर दीजिएगा। हजरात रात हाँ इको 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 कीजिएगा हल्का सा। और ऐसा क्यों ना हो, इसलिए कि लफ्ज़े माँ ही मैं वो चाशनी है, वो मिठास है। जब कोई अदा करता है लफ्ज़े माँ कहता है तो ऐसा लगता है कि मुँह में किसी ने मिश्री की गली रख दी है। लफ्ज़े माँ आप सुनिए तो लगता है कि कानों में किसी ने मोहब्बतों का रस घोल दिया है। सामने हमारे साहब सोए हुए, इसको जगाइए। एकदम बॉक्स के करीब बैठ के सो रहा है, आप घर में क्या करते होंगे बताइए। एकदम बॉक्स के करीब जब इनको नींद आ सकती है तो घर में तो इंतकाल भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्लाह आपकी उम्र और लंबी फरमाए। मोहब्बत के साथ पूरा बंदा बोलिए सुभान अल्लाह। और जिंदगी के साथ ये जज्बाती लोग बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि अब हिंदुस्तान का एक इंकलाबी शायर ऐसा शायर जो पत्थरों को भी खुलवा सकता है। ऐसा शानदार शायर आपको यकीन नहीं तो खुद देखिएगा, जो जिंदगी में कभी नहीं बोला होगा वो भी बोलने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसमें जिंदगी की रमक बाकी हो। मैं अब वहाँ पहुँचने की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाइए मेरे पास, क्योंकि बिल्कुल वक्त कम है। एक मास्टर ने बच्चे से कहा, बेटा कम वक्त में जल्दी से 15 फलों के नाम बताओ। बच्चा आप ही के इलाके का तेज था, उसने कहा सर ये कौन सी बड़ी बात है, हम आसानी से 15 फलों का नाम एक सेकंड में ले सकते हैं। कहा जल्दी करो 15 फलों का नाम बताओ। उसने कहा सेब, संतरा, अनार और एक दर्जन केला। तो बस ऐसे ही हमको भी सफर करना है, मुस्कुराते हुए रहिए और उस बावकार शायर तक पहुंचने की तैयारी कीजिए जहां तक पहुंचने की।